ये है लुइस वार्गस। 55 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई थी, जबकि क्राइम लुइस ने किया ही नहीं था। 29 इयर्स लुइस लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहते थे और लुइस को 3 सेक्सुअल असॉल्ट्स के रूप में अरेस्ट किया गया था। तीनों क्राइम का डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से काफी सिमिलर होने की वजह से पुलिस ने तीनों क्राइम के आरोप लुइस पर ही लगा दिया और कोर्ट में चीजें प्रूफ हो जाने की वजह से लुइस को 55 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुना दी गई थी और लुइस को जेल भेज दिया गया। लेकिन लुइस को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाने के बाद भी लुइस के लॉयर्स ने हार नहीं मानी और केस को कोर्ट में चैलेंज करते रहे। काफी मेहनत के बाद टोटल 16 इयर्स के बाद लुइस के लॉयर्स ने जो बचे एविडेंस थे उनका डीएनए फिर से चेक करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को एक्सेप्ट किया और कैलिफोर्निया इनिसिंग प्रोजेक्ट को डीएनए मैच करने का ऑर्डर दिया। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि लुइस अभी भी जेल में है करीब 16 ईयर से, और फाइनली वो टाइम आ गया था जब लुइस निर्दोष प्रूफ होने जा रहे थे। कैलिफोर्निया इनिसिंग टीम ने अपने टेस्ट करने के बाद कोर्ट में रिजल्ट को शेयर किया और रिजल्ट में बताया कि एविडेंस में ही मिले कपड़ों का डीएनए मैच नहीं हुआ, जो कि एक क्लियर प्रूफ था कि लुइस ने वो 3 क्राइम नहीं किए थे। लुइस वार्गस निर्दोष करार देने के बाद भी उनकी सजा एकदम खत्म हो गई, फिर भी कोर्ट में एकदम साइलेंट रहते हैं जैसे उनको कोई खुशी ना हुई हो, क्योंकि जब वो जेल में थे तब उनका एक सपना था कि जब वो निर्दोष साबित हो जाएंगे तब वो अपनी मॉम के साथ बर्गर खाएंगे। लेकिन उनकी रिहाई में शायद कुछ ज्यादा ही समय लग गया। ऐसे ही चिलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।